हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन डायरेक्ट टैक्स तो आज हम डायरेक्ट टैक्स के जो एम है उसको डिस्कस करेंगे पिछले वीडियोस में हमने कॉस्टिंग और फाइनेंशियल के एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर कर लिए थे अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आप आई बटन में चेक करो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेक कर सकते हैं तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्सेशन का पेपर जो हुआ था उसमें क्या आंसर्स है सही ऑब्जेक्टिव्स के तो पहला क्वेश्चन जो आया था दैट वाज अबाउट एम सी क्यूज नंबर वन मिस्टर देवन प्रिया स्टार्टेड इज बिजनेस फ्रॉम सेकेंड सप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम हिस् प्रीवियस फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम उसका पहले का कोई भी इनकम नहीं है ऐसा ही इन्होंने कहा है तो पहले का अगर कोई इनकम नहीं है तो उसका प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा देखने की भी जरूरत नहीं है जो है, जो क्वेश्चन में वही आंसर है उसका सेकेंड सप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट होगा उसका पहले का कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं उसने अभी स्टार्ट किया बिजनेस राइट नेक्स्ट ग्रेचुअटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो पूरा एग्जेमट है देखने की जरूरत ही नहीं है फुल्ली एग्जेप्टेड अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एंड इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ई स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेक्शन सिक्स का कंडीशन डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी एटीसी जो डिडक्शन है वो किसको एप्लीकेबल नहीं है ऐसा बोल रहा है इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी ऑल ऑफ दिस ये किसको एप्लीकेबल नहीं है कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है इंडिविजुअल एंड एच यू एफ को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सबको अवेलेबल होगा ये नंबर फिफ्थ डैश इज कवर्ड अंडर सेक्शन एटीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एटी 1961 में किसके लिए है वो हैंडीकैप के ऊपर है या मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर है या रीबर्समेंट के ऊपर है तो एटी जो है दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम री ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस रीपेमेंट ऑफ लोन तो ये आपका होगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एटी डी एटी डबल डी अगर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा एटी डबल डी क्या होगा फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट नंबर सिक्स Transfer of Dash assets will not be considered as capital gain. To transfer of diamond jewelry, transfer of gold, transfer of antique paintings, transfer of sculpture. So, right answer, gold deposit bonds. Next. Mr. Maitriya paid to IES Patkar Guruji Vidyale Dadar for his school going daughter tuition fees 7000. एंड स्कूल बस फीस टू थाउजेंड ही इज एंटाइटल टू डिडक्शन अंडर एटीसी एटीसी में ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है तो कितना भरा उसने टूशन फीस सेवन थाउजेंड बस फीस का कुछ नहीं आएगा तो आपका राइट right आंसर बनेगा सेवन थाउजेंड नेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया होल ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र एंड गुजरात होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है राइट आंसर बनेगा होल ऑफ इंडिया रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर दैश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैपिटल गेन बिजनेस प्रोफेशन तो ये आपका आंसर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नेक्स्ट बोनस टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल ऑन बोनस अगर मिलेगा तो टैक्सेबल है बोनस अगर डिक्लेय होगा तो वो टैक्सेबल नहीं है इसका मतलब राइट right आंसर बनेगा रिसीड बेसिस Previous year means the dash year. Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. So, right answer up ka financial year. Next is if the house property is let out with fixed assets, will be chargeable under the head. अगर फिक्स असेट मतलब वो हो गया सबलेटिंग का concept, ये फिक्स असेट्स के साथ लेट आउट उसका राइट right आंसर आपका बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो राइट right आंसर है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो ये थे आपके एमसीक्यूज के आंसर्स अब हम क्विकली चेकआउट कर लेते हैं हमारे ट्रू ट्रूअल फॉल्स के आंसर्स क्या होंगे तो सबसे पहला जो ट्रू ट्रूअल फॉल्स आया था दैट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली बिल्कुल गलत इसका राइट right आंसर है फॉल्स तो एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सैलरी इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी तो एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सैलरी इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रॉस सैलरी तो ये ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं है तो राइट आंसर इज ट्रू गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर इज फुल्ली टैक्सेबल ऑब्वियसली नॉट फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर सब कुछ एग्जेम्ट फॉल्स मंथली पेंशन रिसीव्ड बाई द गवर्मेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेप्ट फ्राम टैक्स तो मंथली पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलता है तो फुल्ली एग्जैम फ्राम टैक्स है बिल्कुल गलत फॉल्स है अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है द स्टेटस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज रेसिडेंट तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन रेसिडेंट होता है नहीं वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी ऐसा होता है वेजिस एंड सैलरीज आर टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्राम सैलरीज तो सैलरीज के हेड में आता है क्या वेजेस एंड सैलरीज ये आता है ट्रू है देर आर टोटल सिक्स हेड्स ऑफ इनकम सिक्स कैसे टोटल फाइव हेड्स ऑफ इनकम है तो राइट right आंसर बनेगा फॉल्स सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन अदर सोर्सेस ऐसे पांच है सेक्शन एटीयू इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंशियल इंडिविजुअल तो एटी यू जो है वो एप्लीकेबल है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल बिल्कुल सही ट्रू आंसर है टाटा पावर लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो टाटा पावर क्या पार्टनरशिप है वो तो कंपनी है तो फॉल्स हो नेक्स्ट अंडर सेक्शन एटी ट्रिपल सी डिडक्शन अवेलेबल टू एच यू एफ तो डिडक्शन एच यू एफ को अवेलेबल होता है क्या नहीं बिल्कुल गलत फॉल्स ये तो इंडिविजुअल को ही अवेलेबल होता है म्यूनिसपल टैक्सेज पेड बाय ओनर इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है ओनर ने भरा तो डिडक्शन मिलेगा टेनेंट ने भरा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा जीरो कूपन बॉन्ड्स हेल्ड फॉर सेवन मंथ्स इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो सेवन मंथ्स है हमने कंसेप्ट पढ़ा है अगर शेयर्स रहेगा तो अगर एक साल से ज्यादा या बॉन्ड्स रहेगा एक साल से ज्यादा रहेगा तो ही लॉन्ग टर्म एक साल से आ, कम रहेगा तो इट इज शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल सही कह रही है तो इसका भी आंसर आपका बनेगा ट्रू तो दिस आर दी एम सी क्यूज विच वी हैव डिस्कस फॉर टैक्स इसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन के सारे एम सी क्यूज के आंसर डिस्कस कर लिए हैं आप अपने आंसर्स को चेकआउट करें देखिए आपको कितने एम सी क्यूज में मार्क्स मिलते बिकॉज एम सी क्यूज में मार्क्स आईदर आपको एक तो वन मार्क मिलेगा या सीधा जीरो मिलेगा उसमें कोई आधा मार्क्स का कंसेप्ट है ही नहीं तो इसके बेसिस पे आप अपने एग्जैक्ट मार्क्स काउंट कर पाएंगे ऑफ दी एम सी क्यूज तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर